Assalamualaikum everyone, this is Nawaz Fayaz and you all are watching UCP TV. आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज लाइव सेशंस के बाद हर UCP के हायरार्की मेंबर्स हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. तो बगैर किसी इंतजार के करवाते हैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस डायरेक्टर उसामा तनवीर, उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हफ्सा जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, और लास्टली हमारे साथ है वकार जो कि डायरेक्टर जनरल हैं हर UCP के. क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह. नवाल आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक. और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमें UCP के जो स्टूडियो है उसमें ज्वाइन किया. और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइट प्राइस के बारे में कि बेसिकली हाइट प्राइस है क्या. तो मेरे ख्याल में बगैर किसी इंतजार के हम सबसे पहले पूछेंगे उसामा से कि उसामा आप हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये जो हाइट प्राइस है जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं और डिफरेंट हायरार्की मेंबर्स हैं, तो बेसिकली ये हाइट प्राइस है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस. सो हाइट प्राइस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की कोलैबोरेशन के साथ, जैसे WHO, UNDP एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो इसका मेन मोटिव है कि इन्होंने प्रमोट करना होता है एंटरप्रेन्योरशिप को और जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट को ज्यादा करते हैं और पूरी इरेडिकेशन करते हैं किसी भी सोसाइटी से. एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करते हैं. एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं और कोई भी इकोसिस्टम का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं थ्रू अ चैनल जिसके जरिए स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो इसका विनर होता है उसको $1 million मिलता है. और देन इसमें कुछ की पार्टनरशिप है जिनमें बिल क्लिंटन एंड देन CEO अहमद आशकार और मोहम्मद यूनस नोबेल प्राइज विनर भी एसोसिएट. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली बनाई किसने थी, किसने इसका स्टार्ट लिया था? 11 years ago, CEO अहमद आशकार जो भी इसके CEO हैं वो इसके फाउंडर थे, और हल्ट बिजनेस स्कूल के साथ जो बर्टिल हल्ट के नाम से है तो वो भी एंटरप्रेन्योर थे काफी बड़े, और CEO अहमद आशकार ने इसको फाउंड किया था. देन इसको UN ने रिकॉग्नाइज किया और इसके साथ की पार्टनरशिप की, एंड देन इसके साथ काफी लोग एसोसिएट हो गए, बिल क्लिंटन एंड देन मोहम्मद यूनस. ओके ओके, यानी कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बिल क्लिंटन ने 11 इयर्स अगो इसको स्टार्ट किया था. अच्छा, इसमें मैंने ये भी सुना है कि इसमें डिफरेंट चैलेंजेस भी होंगे. लास्ट ईयर भी कोई चैलेंज था, अब भी कोई चैलेंज है. तो वकार मैं आपसे पूछूंगी एज बीइंग डायरेक्टर जनरल के इस साल का जो 2020 का जो चैलेंज है, बिकॉज वी नो दैट इट्स द ब्यूटी ऑफ हाइट प्राइस टू यूनाइट ऑल द वर्किंग आइडियाज, तो जो 2020 का चैलेंज है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. अच्छा, हर साल की तरह इस साल का जो चैलेंज है वो भी बड़ा डिफरेंट है और इनोवेटिव है और दुनिया के मसले को हल करने के लिए है. इस साल का जो चैलेंज है वो फूड क्राइसिस या फूड फॉर गुड जिसे कह सकते हैं उसके नाम से है. फूड क्राइसिस पे? जी, फूड क्राइसिस पे है. फूड क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. फूड क्राइसिस हर दौर में डिफरेंट रहा है, 18th century में, 19th century में, 20th century में. तो अब का जो फूड क्राइसिस है, यूसीपी के स्टूडेंट्स ने ये करना है किसी भी फूड क्राइसिस को किसी भी स्पेसिफिक एरिया से या किसी भी स्पेसिफिक कंट्री से आप उनको ले सकते हैं. उन पे आपने स्टार्टअप आइडिया लेना है, हमारे जजेस उसको आपके आइडिया की बेस पे उसको जज करेंगे और डिसीजन लेंगे. अच्छा, यानी कि जितने भी मेंबर्स होंगे जो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना एक आइडिया लेकर आएंगे और उस आइडिया की बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा. अच्छा, क्या कहते हैं कि इसमें जारी बात है ये एक चैलेंज है तो इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन भी होंगी, तो हफ्सा आप मुझे बताएं कि ये क्या प्रोसेस का इसका रजिस्ट्रेशन का, जो करना चाहते हैं करवाना चाहते हैं वो किस तरह से करवा सकते हैं? थैंक यू सो मच नवाल, आपने मुझे बुलाया अपने शो में. अच्छा, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही हमारी हो रही है. हाइट प्राइस UCP की जो है वेबसाइट है वहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीक में UCP में ही जो है हमारे स्टॉल्स डेस्क लगेंगे, तो आप वहाँ पर भी आके अपनी टीम को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं. यानी कि इंफॉर्मेशन डेस्क लग जाएंगे. जी, इसकी लास्ट डेट है कब तक, डेडलाइन वगैरह? बिल्कुल, 20 जो है लास्ट डेट. अच्छा, 20 नवंबर, आप मार्क कर लें कि 20 नवंबर लास्ट डेट है अपने आपको रजिस्टर करवाने की, और जो नहीं अब तक करवा चुका वो करवा लें अपने आपको. तो इसका जो कह लें कि ऑब्वियसली जो उसकी रीसेंट चैलेंजेस भी होंगे, अब के जो आपने बताया फूड क्राइसिस का चैलेंज है, रीसेंट भी कुछ होंगे 2019 का 2018 का, तो समा आप मुझे बताएं कि जो लास्ट आइडिया था या उससे पहला कोई भी जो आइडिया वो क्या था, उसमें कौन सी टीम जीती थी और उन्होंने ऐसा क्या आइडिया पिच किया कि वो जीत गए और उसके बाद कोई फ़ायदा हुआ था उनको इस में पार्टिसिपेट करके? सो मैं आपको बताता हूँ, हाइट प्राइस 11 इयर्स अगो स्टार्ट हुई तो इसकी एक सीरीज ऑफ चैलेंजेस है जो प्रॉब्लम्स पे बनते हैं, और उस चैलेंज को कुछ उस प्रॉब्लम को ऐसे स्टूडेंट को प्रेजेंट किया जाता है कि उन्होंने इस पे अपना आइडिया प्लेस करना है, पिच करना है. सो लास्ट ईयर चैलेंज था जो वो था कि आपने कुछ इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई चीज
का आइडिया देना, स्टार्टअप आइडिया. सो अभी तो वो ग्लोबल फाइनल नहीं हुआ तो उसका विनर एज सच कोई भी नहीं है, बट एक्सीलरेटर प्रोग्राम चल रहा है. पाकिस्तान से भी एक टीम रीजनल्स के लिए गई हुई है, तो वो भी हर्ट प्राइज ग्लोबल फाइनलिस्ट में उनका भी डेमो पिचिंग आने वाली है. सो उससे पहले भी कुछ ऐसी ऐसी बिजनेस जो टाइकून्स कंपनीज निकली हैं मार्केट में, बिलियन डॉलर्स कंपनीज जो हैं, और वो हल्ट प्राइस से स्टार्ट हुई हैं एंड देन अब वो बिलियन डॉलर्स कंपनीज है जो डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं. यानी कि वाकई इससे फायदा होता है. एग्जैक्टली. इसका हमें ना प्रोसेस बताएं कि सबसे पहले कैंपस लेवल पे होगा या किस तरह से होगा, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका इंटरेस्ट इसी में है कि हम किस तरह से जो है ना वो आगे आगे इंटरनेशनल लेवल पे तक जाएंगे. एग्जैक्टली. इसका एक रोड मैप है, हर चीज का रोड मैप होता है, तो इसका भी है. इसके टोटल 3 स्टेजेस हैं जहां से आप कम्पीट करते हुए 1 मिलियन डॉलर की तरफ आप जा सकते हैं. लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं हर अपने ऑन कैंपस से. 2000+ यूनिवर्सिटीज में ऑन कैंपस प्रोग्राम होता है विद द सेम वे. सो यूसीबी में जो टीम प्रेजेंट करेगी, आके अपनी पिचिंग करेगी, वहां से टॉप 2 टीम्स, एक टीम तो जाती जाती है हर कैंपस से, बट वी आर ट्राइंग कि हमारी 2 से 3 टीम्स भी जाएं. एग्जैक्टली. सो वो टीम, जो भी टीम यहाँ से विनर होंगी, टॉप 2 और 3 टीम्स वो जाएंगी आगे रीजनल्स में. रीजनल्स की जो टीम विनिंग होगी, रीजनल्स पहले होते थे पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तानी टीम्स के लिए जाना मुश्किल होता था, बट लास्ट ईयर से हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में हो, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ. अच्छा, पाकिस्तान में किधर हुआ? इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद में रीजनल्स होंगे और उधर से जो टीम विन करती है वो जाती है एक्सेलरेटर प्रोग्राम ज्वाइन करती है, देन उनकी ट्रेनिंग हल्ट प्राइज ऑफिशियल्स करवाते हैं जहाँ पे टॉप 100 वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं इन एशेज कैसल यूके. एक्सेलेटर प्रोग्राम में जाते हो ऑन कैंपस जीतने के बाद, रीजनल्स के बाद. अच्छा, रीजनल के बाद रीजनल्स की टॉप टीम्स जाती हैं एक्सेलेटर प्रोग्राम में, हर रीजनल की टॉप 6 टीम्स. ओके. एंड देन वो 30 टीम्स या आई थिंक काफी टीम्स होती हैं, उनमें से फिर टॉप 6 टीम्स को सिलेक्ट किया जाता है रीजनल्स में. okay. और वो यूएन हेडक्वार्टर में जाके अपनी पिचिंग करती है एंड देन वन ऑफ द बेस्ट टीम को वहां पर रिकॉग्निशन मिलती है 1 मिलियन डॉलर प्राइस के साथ. इंसेंटिव तो आपने बता ही दिया. exactly. कि 1 मिलियन डॉलर का मिलता है ना. एग्जैक्टली. एंड डिफरेंट मीडिया चैनल्स, ब्लूमबर्ग एंड सीएनएन, इन्होंने भी इसको नोबेल प्राइज फॉर स्टूडेंट्स के तौर पर फीचर किया. सही, मतलब आपको जब पहचान मिल जाती है फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके बेस पर फिर आप अपना आइडिया जो है मजीद आगे लेके जा सकते हैं, सबको फायदा होता है, आप मजीद उस पर काम करते हैं. लेकिन हफ्सा, आप मुझे ये बताएं कि हम यूसीबी के उनके बात करें, यूसीबी की टीम्स की बात करें, तो यूसीबी से अब तक कितनी टीम्स हैं जो आपके ख्याल में रजिस्टर हो गई हैं और अभी तक चांस है कि इतनी और आ जाएंगी? अच्छा, नवाल कोई इसमें बताया नहीं जा सकता, नहीं बता सकते कि कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. लेकिन जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी तो काफी यहाँ पे जो था जोशो खरोश था और काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं. एंड अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मैंने आपको जैसे 20 नवंबर तक है, तो काफी रजिस्ट्रेशन हो रही है. यूसीबी के स्टूडेंट्स का जो वो एक रिस्पॉन्स है काफी पॉजिटिव मिल रहा है. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. जारी बात है, जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उन्होंने जो हायरार्की बनाई है हमारी, जो हमारी टीम बनाई है, जैसे कि आप खुद ही बताएं कि आपने किस तरह से बनाया और आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि आप यूसीबी में इसको स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ऑफर की गई थी कैंपस डायरेक्टर का इंटरव्यू देने के लिए. अच्छा, तो अच्छा. मैं अपने कुछ एफिलिएशंस की वजह से बिजी था उनमें ना, तो फिर उसामा का मैंने सोचा कि इनको ऑफर करूं कि ये इंटरव्यू के लिए दें. इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये सिलेक्ट हो गए, उसके बाद इन्होंने कहा कि टीम बनाते हैं. तो फिर मैंने देखा कि यूसीबी की डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं उनमें बेस्ट लोग कौन से हैं, बेस्ट मेंबर्स कौन से हैं. हमने वो भी सिलेक्ट किए. इसके अलावा हमने फ्रेशर्स को भी सिलेक्ट किया जो किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट में अच्छे थे. और हमने हल्ट यूसीपी को ये ओपन फोरम रखा हर स्टूडेंट के लिए. बिल्कुल ऐसा ही है. तो क्या कह लें कि यानी कि आपने जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितनी भी वहाँ से आपने ऐसा ऐसा जो है बच्चे जो आपको लगा कि इस कैलेबर के हैं, आप लोगों ने आपने बल्कि बेसिकली उसकी एक टीम बनाई और यूसीबी की हायरार्की की शक्ल दी आपने. बिल्कुल ऐसा ही है ना. बिल्कुल ऐसा. अच्छा, क्या कहते हैं कि इसमें जो मैंने सुना है कि आप लोगों ने डिफरेंट जो है वो जो हल्ट यूसीबी है उसकी कलेबोरेशन पार्टनरशिप जो है वो डिफरेंट हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के उनके साथ भी है. तो हफ्सा, आप इस बारे में बताएं कि क्या किस के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है अभी तक? हाँ जी, इसमें जो है हमारी तकलीक के साथ जो है पार्टनरशिप हुई है, जिसमें सर उजैर जो है सीनियर इंक्यूबेटर मैनेजर, उनके साथ हमने MOU साइन किया था. एंड तकलीक जो है हमारा ऑफिशियल पार्टनर है. ओके. एंड वो जो है हमें फुली सपोर्ट करेगा, बूट कैंप्स भी लगेंगे एंड देन किस तरह से आपने आइडिया पेश करना है उसमें सारा सपोर्ट करेगा एंड स्टार्टअप प्लान में भी हमें सपोर्ट करेगा. फर्स्ट 3 टीम्स को भी वो सपोर्ट करेगा उनके स्टार्टअप में. एंड उसके यानी कि मेरे ख्याल में जो लोग जिनके पास टीम्स का आपने मुझे स्पेसिफिकली बताना है कि कुछ सपोज करें ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टीम्स नहीं होती, तो उनमें आपको उनको हेल्प आउट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग हेल्प आउट कर रहे हैं. उसमें ये है
कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके पास टीम नहीं होती है, मेंबर्स नहीं होते, और हमारा ये क्राइटेरिया है कि 3 to 4 मेंबर होने चाहिए तभी आपकी टीम कंप्लीट होती है. 3 to 4 मेंबर्स. तो हम लोगों ने उनके लिए ये किया कि वो हमारे पास आए, हमसे कॉन्टेक्ट करें. तो हमारे साथ और भी बहुत सारे इसी तरह के लोग आए होते हैं, तो हम उनके साथ उनको कोलैबोरेट करवा के तो उनकी एक टीम बना के तो उनको दे सकते. यानी कि ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी जी, कि वो लोग जिनके पास टीम्स नहीं है हाँ वो आए और आके आपसे हेल्प ले सकते हैं और आप लोग उनको टीम एक प्रोवाइड कर सकते हैं. अब वैसे 3 to 4 मेंबर्स होंगे एक टीम में. Exactly. तो कोई इंडिविजुअली भी कर सकता है या टीम्स में ही करना है? नहीं, इंडिविजुअली नहीं, टीम बना के ही वो जो आप कर सकते हैं. और हर कैंपस में, यानी कि सेम अगर यूसीपी के स्टूडेंट है तो वो यूसीपी की टीम बनेगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के आपस में टीम्स नहीं बन सकते. नहीं, ये यूसीपी स्टूडेंट्स के लिए ही है, यूसीपी के अलावा नहीं है. तो मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना ऑन कैंपस प्रोग्राम होता है. तो जैसे यूसीपी में ऑन कैंपस प्रोग्राम है, बाकी यूनिवर्सिटीज में, और लेकिन इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं, आइदर वो लास्ट सेमेस्टर के भी हों, आइदर फ्रेशर्स भी हों. तो इस वक्त एनरोल होना यूसीपी में एज अ स्टूडेंट उसके लिए लाजमी है. कोई टीचर या कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी हम सारे कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हमारी हिराकी सारी कर सकती है. यानी कि ऑन दी होल जो हमें हर यूसीपी है इसका जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा मिल रहा है. जो आपने इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए हैं कि हम टीम्स ही प्रोवाइड करेंगे, इसकी जो डेडलाइन है वो 20th November है, और अभी तक जिन्होंने नहीं करवाए रजिस्ट्रेशन वो जरूर करवाएं. वैसे उसामा, मैं आपसे कहूँगी आप एक दफ़ा लास्ट टाइम ना जो हमारे इंसेंटिव है ना वो उनको आप एक दफ़ा जो है ना वो दोबारा से बताएगा हमारे व्यूवर्स को कि क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे इस पे. हम इंसेंटिव स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से. किसी टीम ने रजिस्ट्रेशन करवाई सो वो हमारे लिए पार्टिसिपेशन टीम हो गई. अच्छा अच्छा. कोई भी पार्टिसिपेशन टीम होगी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तो हम प्रोवाइड करेंगे बूट कैंप, जिसमें उनकी आइडिया पिचिंग की इंक्यूबेशन करवाई जाएगी, उनकी उनको बताया जाएगा कि आइडिया पिच कैसे करना है, और पीपीटी स्लाइड्स जो होती हैं जहाँ से आप आइडिया पिच करते हैं वो बनाने में भी उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी. अच्छा, कि उनकी हेल्प आउट करेंगे exactly, उसमें टेक्निकली कि उन्होंने कैसे एक प्रोफेशनल मैनर में चलना है. एंड देन अच्छा. उसके बाद उनको बताया जाएगा कि उनका मेन चैलेंज क्या है, एंड देन उसके उनका जो आइडिया वो किस तरह का होना चाहिए, जो भी उनकी एक वर्कशॉप होगी. उसके बाद कोई भी पार्टिसिपेशन टीम होती है उनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है फॉर ऑफ पार्टिसिपेशन. सो उसमें उस सर्टिफिकेट की वर्थ किसी भी और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफी बढ़कर है, जिसमें 42nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बिल क्लिंटन के सिग्नेचर है, सीईओ एग्जैक्टली सीईओ अहमद आशकार जो टॉप 30 एंटरप्रेन्योर्स एंड देन वर्ल्ड्स 100 इन्फ्लुएंशियल अर्ब्स में से वो, एंड देन हर्ट बिजनेस स्कूल एज वेल एज यूएन की स्टैम्प्स के साथ एक काफी ज्यादा जो है ना वो इंसेंटिव्स मौजूद है. और उससे बढ़कर आपके पास एक ऑप्शन होगी, क्योंकि हमारे जो जजेस हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, रिगार्डिंग जितने भी इस पोर्टफोलियो के आते हैं वो सारे जजेस वहां से, एंड देन वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. आप पे कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर आपका आइडिया अच्छा होता है कोई और भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है. अगर आप विन करते हैं कोई भी टॉप 3 हमारी टीम्स होंगी तकलीक उनको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेगा 6 months जो उनका कोर्स होता है फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जैक्टली. एंड देन उसके बाद जो वही टीम एक जो रीजनल्स में जाएगी, जो ट्राई करें हम 2 to 3 हो जाए जो रीजनल्स में जाएगी, रीजनल्स के बाद उनको एक्सीलरेटर प्रोग्राम एशरेज कैसल यूके में, जहाँ पे उनको 14 वीक्स की वर्कशॉप होंगी मेंटर्स के साथ. वर्कशॉप होगी एक्सीलरेटर प्रोग्राम में जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये एक्सेलेरेटर प्रोग्राम बेसिकली है कि मुझे इसकी समझ आई आपने दो दफा एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आपने पूरा एक बिजनेस मॉडल कैसे बनाना. लेट्स सपोज यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट अपना आइडिया देते हैं, वहां पर जाके उनको एक प्रॉपर कंपनी का थ्योरेटिकल एक कंपनी बना दी जाती है, जस्ट फिर वो वेट करते हैं हमारे पास फंडिंग आए और हम अपनी एक कंपनी स्टैंड कर लें एग्जैक्टली. एंड देन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है फाइनल की, और जो फाइनल विन करता है उसके पास $1 million की जब फाइनेंसिंग आएगी तो वो अपना अपनी कंपनी बिल्ड करते हैं, एंड देन एज अ बिजनेस टाइकून वो ऊपर क्या बहुत सारे सीरीज है स्टेप्स हैं आप इसमें कह लें, लेकिन इसमें इंसेंटिव्स भी बहुत ज्यादा है. और जो फाइनल टीम एक होगी ना टीम जो जीतेगी, जो एक टीम जीतेगी उसको $1 million का प्राइज मिलेगा. लेकिन ये कोई इतना आसान बात नहीं है, हम जैसे कह रहे हैं आप अपने लिए नहीं कर रहे होते, काम करना पड़ेगा. इस बस आप अपने लिए नहीं कर रहे होते, ये आप सारी पॉपुलेशन के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जिनको आप कवर कर रहे होते हैं. सो इट मींस कि आप अपने साथ साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सबसे अच्छी बात है जैसे वकान ने बताया था हमें कि इसका जो चैलेंज है वो फूड क्राइसिस है, यानी कि आप
जो फूड के ऊपर है उसके लिए गुड फूड, फूड फॉर गुड, इस पे आप काम करेंगे कि अपने लिए भी अपनी ये जो ह्यूमंस हैं उनके लिए भी आप काम करेंगे। अच्छा हफ्सा मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे कुछ बताना चाह रही थी कि हमने वो फिर हम इंसेंटिव का पूछ रहे थे। बिल्कुल, वो मैं एडिशन करना चाह रही थी कि थैंक्स टू डॉक्टर तैमूर हमारी फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के साथ भी जो है MOU साइन हुआ था। ओके, एंड जिसमें UCP TV एंड FM 92.6 UCP की दुनिया भी हमारा ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। यानी कि हमारे साथ जो UCP TV है और हमारी FM 92.6 UCP की दुनिया, ये भी हल्ट UCP के साथ एसोसिएट है, एफिलिएट है, और यहाँ पे हम उनके साथ भी काम करेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने जितनी भी डिस्कशन की है हल्ट प्रेस के बारे में, उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको उस पर काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप सबसे जाने से पहले करना चाहूँगी, वो ये कि वी ऑल नो दैट हल्ट प्राइज इज कंसिडर्ड एज अ नोबल प्राइज फॉर स्टूडेंट्स, तो आप सब मुझे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप देंगे बीइंग अ कैंपस डायरेक्टर, डायरेक्टर डिप्टी एंड डायरेक्टर जनरल। सो स्टार्ट करता हूँ मैं खुद से, बिकॉज हल्ट प्राइज UCP एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप खुद को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी आइडिया आप फील फ्रीली मेरे पास आएँ, देन हम आपको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में पर्सन होंगे उनसे मिलवाएंगे। एंड देन ये नहीं है कि अगर आप $1 million इस बार नहीं जी सकते तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई, कुछ भी हो गया। सो ये आपके एक स्टेप होगा फर्स्ट, जहाँ पर आके आपको अपने फील्ड के रिगार्डिंग मेंटोर्स मिलेंगे एंड देन वो आपको गाइड करेंगे आपका पाथ क्या है। एंड देन नेक्स्ट टाइम हल्ट प्राइज हो या कोई भी हो, मेन पर्पज है कि आप बींग एन एंटरप्रेन्योर डेवलप हो और अपने साथ साथ सोसाइटी की भी आप हेल्प करें, एंटरप्रेन्योरशिप को तो प्रमोट करें। हफ्सा आपकी तरफ आएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? अच्छा नवाल, आपने खुद ही कहा है नोबेल प्राइज है स्टूडेंट्स के लिए, और इस लेवल पे अगर ये नोबेल प्राइज मिल रहा है तो और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जरूरी नहीं है कि विन करना है, आपको एक्सपोजर भी मिलता है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। Exactly. तो अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं और जरूर इस चैलेंज का पार्ट बने। बिल्कुल ऐसा ही है। वकार आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा मैं इसके सर्टिफिकेट के वर्थ के बारे में बात करूंगा। आप $1 million प्राइज जीते या ना जीते, ये जो सर्टिफिकेट है इसके वर्थ भी $1 million ही है। ये आपके CV में एक बहुत अच्छा एडिशन है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जॉब्स की तरफ जाएंगे, तो हल्ट प्राइज की सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, काफी वृद्धि होगा, क्योंकि आपने बताया था कि उसमें बिल क्लिंटन के सिग्नेचर्स भी होंगे। Exactly. तो मेरे ख्याल में ये भी नोबेल प्राइज ही है। बिल्कुल आपने ऐसे कहा कि जो हमारा सर्टिफिकेट होगा, जरूरी नहीं कि हम 1 million के लिए ही अपना, हाँ हम अपना गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं जीत सके तो अपना दिल हार जाए। जो हमारा सर्टिफिकेट वो हर टीम के लिए है, जो पार्टिसिपेंट्स है वो सबके लिए सर्टिफिकेट है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं हल्ट प्राइज़ के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, वो जल्द अज जल्द अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर लास्ट डेट है। यहाँ पे अब हमें क्योंकि शो को वाइंड अप करने का वक्त आ गया है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। एक बार फिर मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज वो हमारे साथ UCP के स्टूडियो में मौजूद है और हमने बहुत अच्छी बहुत हेल्दी डिस्कशन की रिगार्डिंग हल्ट UCP हल्ट प्राइज़। तो अच्छा मजीद कोई क्यूरियस आपकी रह गई हो, कोई क्वेश्चंस आपके रह गए हो जो आपको समझ ना आए हो, तो हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है, आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं, और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में भी आप हमें आज के शो के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।